अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज है ईद का पहला दिन और भाई आपका भाई उठ चुका है, तो अब जल्दी जल्दी से नहाते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद जाएंगे हम ईद की नमाज़ पढ़ने। और आप इतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। तो भाई सीन ऐसे है कि नहा दो कि आपका भाई हो चुका है रेडी और भाई आके भाई ने आज डाला है काला सूट। वो कहते हैं ना, काले कपड़े च ढोला मशकूक लग दे, कई ना आशिक थे कई ना मशूक लेते। लेकिन आपका भाई तो ना आशिक है ना मशूक है, आपका भाई तो क्यूट है ना यार, समझ रहे हो ना। तो जल्दी जल्दी इससे कमेंट में माशाल्लाह लिख दो तो कि नज़र ना लग जाए यार मुझे। तो भाई सियाने कहते हैं नमाज पढ़ने जाने से पहले कुछ मीठा खा के जाना चाहिए, तो ये पड़ा है मरम मीठा, तो अब हम मीठा खाएंगे और उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने। तो भाई सब सीन ऐसे है कि सवैयाँ खाने के बाद आपका भाई जा रहा है अब ईद की नमाज़ पढ़ने। एहतियातन तौर पे हमने जाए नमाज उठा लिया है कि वैसे तो भी काफ़ी टाइम पड़ा, लेकिन जगह ना मिले तो भाई बंदे के पास अपना जाए नमाज भी होना चाहिए। और ये देख रहे हो बाकी पब्लिक भी जा रही है, बाबा जी भी जा रहे हैं, सारे ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और भाई हम पहुंच चुके हैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारी मरकज़ी जनाजा का है जहाँ पर आज ईद नमाज़ होनी है, और सामने पुलिस वाले अंकल भी खड़े हैं। तो यहाँ पे भाई मौलवी साहब जो हैं वो खुतबा फरमा रहे हैं, यानी कि बयान दे रहे हैं आज सब तमाम लोगों को जो यहाँ पे बैठे हैं, और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जमात खड़ी होगी और कब हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। तो भाई तमाम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली और आपके भाई ने भी पढ़ लिया, तमाम लोग अपने घरों घर ही जा रहे हैं ताकि भाई अपने घर वालों को जाके ईद मिल सकें। भाई साहब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद और सबको गले मिलने के बाद आपका भाई अब जा रहा है अपने घर की तरफ। ये देख रहे हो बाकी आवाम भी घरों घर जा रही है और एक दूसरे को गले मिल रही है ईद। भाई अब हम आए हुए हैं बली के घर, बली को ईद मिलने हैं। बली ईद मुबारक। बली भाई कैसे हैं? बली भाई क्या हो गया? बली भाई ने ईदी ले ली है, और बली भाई ईदी डाल के जेब में और बड़े मजे से अपना मोबाइल लेके बैठ गए हैं। बली भाई हेलो। भाई बली भाई का मूड खराब है, हम बाद में बली भाई से आगे बात कराएंगे। भाई ईद की नमाज़ पढ़ के आके सबको ईदी शीदी दे दिला के जेबें खाली कर दी हैं भाई। अब भाई भूख बहुत लग रही थी, हमने कहा नाश्ता कर लिया जाए, तो हमारा नाश्ता आ चुका है। वी आर बैक टू रूटीन भाई, अंडा पराठा और हमारा ये सालन आलू गोश्त आ चुका है, अब हम इसको खाएंगे क्योंकि पेट में भाई चूहे दौड़ रहे हैं। तो अब हम खाते हैं अपना नाश्ता। ईद मुबारक बब्बू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या कर रहे हो आप? जब मैं आपके घर आया था तब आप बोल नहीं रहे थे हैं, वहां पे आप चुप थे, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि जब मैं आपके घर आया था आप नहीं बोल रहे थे? जल्दी बता दो। नहीं हमने नहीं खानी, आप खा लो। और आप ठीक हो? ठीक हो आप? चलो मामू गाड़ी का दे। गाड़ी दिखाऊं? चलो ठीक है, आज आपको गाड़ी दिखाते हैं। चलो 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 गाड़ी दिखाएं, चलो। किधर? किधर? ओह बोरी गाड़ी, वाओ। क्या कर रहे हो वली? आशिफ क्या कर रहा है? हेलो भाई, हाथ हाथ खराब वाले भाई। हेलो भाई किधर भाग रहे हो भाई? हेलो भाई, हेलो यार भाई, भाई हमारे इस बंदे से मिलो, इसने दोबारा अपना बाजू तोड़वा लिया है। फेंक दे गंदा, चल फेंक दे। ये देखो भाई, ये हमारा फाद, फाद ने दोबारा बाजू तोड़वा लिया है। फाद सबको ईद मुबारक कह दे भाई, ईद मुबारक कह दे सबको जल्दी से। क्या बात है भाई, अमीर बच्चे हैं, पैसे ही पैसे लेके घूम रहे हैं भाई। हाँ जी आप किधर घूम रहे हो? वाह 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 वाह, बाबा की तस्वीर लगाई हुई है, क्या बात है भाई। ये भाई ये भाई, जैसा कि आप सब बकर को जानते हैं, अब बकर ने आज लगाए हैं गोलगप्पे। आज वो बकर है गोलगप्पे वाला भाई, जिस जिसने गोलगप्पे खाने हैं वो बकर के पास आए और इसकी दिहाड़ी लगवाए। भाई दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लगी हुई है शदीद, हम जा रहे हैं रोटियां लेने। और ये साथ साहब है, इसने आइसक्रीम लेनी है और फाद ने भी कुछ लेना है,
तो फायर भी साथ जा रहा है। चलो ये जल्दी जल्दी बैठ जाओ। अच्छा बिस्कुट ना लेके दो, चॉकलेट ले जाओ। चलो ठीक है आ जाओ बैठो। इतने हो गए 70-80 वाले भी हैं। चलो बैठ जाओ। बैठ गए हां। कितना बढ़िया है आइसक्रीम। चलो इधर से देख, खुल गया। कौन सी लेनी है? ले ले चॉकलेट। देख चॉकलेट किधर है? ये वाली। ये वाली कितने वाले ले लिया भाई तूने? कौन सी लेनी है जल्दी ले ले। अंकल ये कितने की है? 40। चलो 40 की और 40 40 की आपने लेनी है ना? ये वाली लेनी है, वही लेनी है। वो 40 की है या 50 की है? कौन सी लेनी है? ये रही। चल पकड़। चार इसने दिए हैं। ठीक है बाकी भी दे रहे हैं। 40 की है। चलो दोनों ने ले लिए। ठीक है चलो। लो भी रोटियां लेके हम पहुंच चुके हैं घर और भूख बहुत लगी है। ऊपर जा रहे हैं, जाके हम खाएंगे खाना। भाई रोटियां लेके आ चुके हैं, भूख बहुत शदीद लगी हुई है। और हमारे यहाँ सालन आ चुका है। ये भाईजन सालन है हमारा। ये है खीरे। तो हम खाएंगे खाना। तो भाई बड़े भाई ने कहा जाओ भाई और लेके आओ मिठाई। तो भाई हम दरबार श्री आ गए हैं मिठाई लेने के लिए। तो भाई अभी हम अंदर जाएंगे और यहाँ से मिठाई लेंगे। तो भाई उन्होंने कहा था बंगाली चमचम लेके आना, सामने बंगाली चमचम पड़े। हमने भाई को कहा जल्दी से डब्बे में पैक कर दो और हमें दे दो। भाई ने भी जल्दी से डब्बे में पैक कर दिए और भाई ने कहा ये उठाओ अपने बंगाली चमचम और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हमने यहाँ से बंगाली चमचम उठाए, सामने काउंटर पर पैसे दिए और हम वापस घर आ गए। तो घर आए तो भाई मौसम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है और पतंगे उड़ रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब की ईद भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी, क्योंकि ईद के पहले दिन मौसम अच्छा थे तो इससे अच्छी है और क्या बात होगी। गो गो है भाई, आज बदमाश आ गया हमारे मल्ले का भाई। हमने सारे दुकान हाईजैक कर लिए, 10 गोल गप्पे जल्दी दे, ये सारे मारो जल्दी कर, गोली मार देंगे, पकड़ो पकड़ो इसको, खजाने में डालो, गोली मार देंगे इसको, ये पहले गोली तो मारे। ये देख लो, मुराद समझ के रखा तुमने। ये देख मुराद समझ के रखा है, ठोक देंगे गोली तेरे को, ये देख रहा है। चल हमारे मोहल्ले के गोलगप्पे चोर आ गए हैं भाई, बंदूकें लेके। आप ये डब्बा डब्बा मुझे दिखाएं, अपनी पिस्तौल चलाएं। मैं गोली मार दूंगा, आप पिस्तौल चलाएं ना, यहां से गोल के अंदर आप मारे पिस्तौल तो मारे। ये भाई आ गए गोलगप्पे चोर, आ गए हैं भाई गोलगप्पे चोर। हमारी वीडियो कैमरे पे गोली मार दूंगा। हां भाई भट्टी क्या करने है? अपने दांतों से जुत्ती से आते दूंगा यार। ईद होती है उस टाइम, अभी रहती है यार भट्टी। ये बातें तेरी ठीक नहीं है, ईद तो मिलता नहीं है, पैसे तू लेने आ जाता है। चल ये ले, कितनी दूं? 10 रुपए बहुत है। हाँ दो। चल नहीं यार 10 नहीं, तेरे पूरे पैसे कर देते हैं। ये ले ठीक है। चलो भट्टी साहब अल्लाह हाफिज। यार ये थैंक यू भी कहते होते हैं यार, मर्जी है यार भट्टी। हाँ बकर गोलगप्पे दे दे, दस्ती दे दस्ती भट्टी को। बड़े भट्टी, ओ बड़े भट्टी, फुटबॉलर साहब। तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त रहना फहीम। तो भाई जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।